आपके साथ अंकिता पाठक। तो बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। रायपुर स्टेशन में ट्रेन से करोड़ों का सोना जब्त, हुए चार तस्कर गिरफ्तार। आइए बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला। रायपुर में DRI ने सोना की तस्करी करने वाले चार लोगों को रायपुर और मुंबई से गिरफ्तार किया और उनके पास से 8,433.76 ग्राम सोना बरामद किया गया है। इसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। पकड़े गए चारों आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद CJM भूपेंद्र वास निकल की अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। गिरोह के अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। DRI रायपुर के अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से उन्हें सूचना मिली थी कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन से तस्करी कर सोना मुंबई ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर रायपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन के रुकते ही DRI की टीम द्वारा तफ्तीश दी गई। इस दौरान संदेह के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान तलाशी में उनके बैग से 2,21,71,970 रुपए का 3,611.70 ग्राम सोना बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि उनके 2 अन्य साथी सोना लेकर मुंबई रवाना हो गए हैं। DRI ने सूचना मिलने के बाद मुंबई टीम को इसकी जानकारी भेजी। मिले इनपुट के आधार पर स्थानीय DRI की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया। वहीं तलाशी में उनके पास से 2,73,50,523 रुपए का 4,832 ग्राम सोना बरामद किया गया। दोनों तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद रायपुर DRI दफ्तर लाए गए, जहां पता चला कि उनके साथ गिरोह के कुछ अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। उनसे मिले इनपुट पर कोलकाता और मुंबई DRI को भेजा गया। वहीं प्रकरण की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि DRI द्वारा पिछले 6.5 वर्ष में तस्करी करने वाले 5,045 किलो सोना चांदी जब्त कर चुकी है। इसकी कुल कीमत लगभग 55 करोड़ रुपए है। इसमें 25 करोड़ का 45 किलो सोना और 31 करोड़ रुपए की 5,000 किलो चांदी शामिल है। इस मामले में 50 से ज्यादा प्रकरणों में 70 से ज्यादा तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 2016 में DRI का क्षेत्रीय दफ्तर रायपुर में शुरू किया गया है। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चुनिंदा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।